बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको कभी पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गोरखपुर कांड को लेकर के यूपी की सियासत उफान पे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्नी मीनाक्षी से मिल करके जो उन्होंने मांग रखी थी लगभग सभी मांगे मान ली। अब उनको कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी मिलेगी और कानपुर पुलिस इस मामले की जांच करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ठान रखा है कि इस मामले को शांत नहीं होने देना है, क्योंकि अगले साल चुनाव है। उसी के मद्देनजर धरना प्रदर्शन बंद सब आहूत किया जा रहा है। आपको बता दें कि मनीष गुप्ता, जो कि प्रॉपर्टी डीलर रियल इस्टेट कारोबारी बताए जा रहे हैं, दो दोस्तों के साथ गोरखपुर गए थे। 27 तारीख की ये घटना है। वहाँ पे पुलिस ने उनको होटल में कमरे से उठा करके इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। बड़ी मुश्किल से 3 पुलिस वालों के खिलाफ 302 का मामला दर्ज हुआ, 3 को उसमें से नाम निकाल दिया गया है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से विजय किरण आनंद, जो गोरखपुर के डीएम हैं, और विपिन टांडा, जो एसएसपी हैं, पुलिस चौकी में बैठ करके और परिवार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि केस बहुत लंबा चलेगा, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो वीडियो हो गई वायरल। और अब उसमें NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में केस दर्ज हो गया है। जरा देखिए वो वीडियो। मेरी बात इसमें रखी थी, मेरा अनुरोध था, मान लीजिए मैं आपको एक बड़े भाई मूल जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। यही अनुरोध करूंगा कि विश्वास को मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको कभी पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए, मुझे या तो मुझे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक तरफ परिजन बैठे हुए हैं जो मुख्य कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कोई और सज्जन है, ऐसा लग रहा है देखने से जैसे कि वो पीड़ित पक्ष हैं, और दूसरी तरफ जो है डीएम और एसएसपी बैठे हैं। और डीएम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हम एसएसपी की तरफ से और कप्तान साहब की तरफ से अपनी तरफ से ये आश्वासन दे रहे हैं। फिर उसमें विपिन टांडा जो एसएसपी हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पुलिस वालों की पहले से तो कोई दुश्मनी थी नहीं, यानी कि आप मान लीजिए कि इनमें आपस में पहले से रंजिश की कोई बात नहीं है। फिर अचानक 12 बजे रात को किसी के कमरे में घुस करके और आईडी चेक करना, क्या वो आतंकवादी है? यहीं से लड़ाई शुरू हुई थी, क्योंकि मनीष गुप्ता ने यही सवाल उठा दिया था। अब पुलिस बाद में लिपापोती कर रही है कि वो तो भागने दौड़ने में गिर गए, उनको चोट लग गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें मारपीट की बात साफ साफ साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में घिरी हुई है, लेकिन लिपापोती करने से बाज नहीं आ रही है। दरअसल पुलिस और प्रशासन के हमेशा से ये कार्य प्रणाली रही है कि जब कोई अपराध हो जाए तो उसको दबाने की कोशिश करो, सच जो है बाहर मत आने दो। ये बात अलग है कि मीनाक्षी ने बहुत बैलेंस तरीके से काम लिया। जब राजनीति गरमाने लगी तो उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को भी डांटा कि प्लीज हमें माफ़ कर दीजिए, राजनीति की जरूरत नहीं है। और सीएम योगी आदित्यनाथ से मिल करके अपनी बात भी रखी, उन्हें नौकरी देने का आश्वासन मिला है। लेकिन ये सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र में अभी संघर्ष बहुत लंबा है। क्या मीनाक्षी को अपने पति के मौत को लेकर के न्याय मिल पाएगा? और ये जो DMSSP का चेहरा उजागर हुआ है, क्या ऐसे ही सिस्टम काम करता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए? कभी इसमें सुधार नहीं होगा। बेशक समाजवादी पार्टी अभी राजनीति कर रही हो क्योंकि BJP का शासन है, लेकिन किसी का भी शासन आ जाए, सपा बसपा भाजपा, क्या फर्क पड़ता है? तंत्र तो वैसे ही काम करता है। चलिए इस पर हम नज़र बनाए हुए, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।